नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिनभर की प्रमुख सुर्खियों पर। गंग्याल इलाके में सड़क हादसे में एक की मौत, जबकि दो कांस्टेबल और एक एएसआई समेत पांच लोग हुए घायल। एनआईए ने कश्मीर में 8 लोगों के ठिकानों पर दी दबिश। जम्मू से अभी भी किया जा रहा सौतेला व्यवहार, जम्मू कश्मीर बैंक में पदोन्नति के लिए कश्मीर से 22 और जम्मू से मात्र 2 अधिकारियों को मिली पदोन्नति। और लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजौरी और पुंछ सेक्टरों में नियंत्रण रेखा की समीक्षा। जम्मू संभाग में आईईडी हमलों की साजिशें लगातार नाकाम होने के बाद उधमपुर शहर में विस्फोट आतंकियों की बौखलाहट माना जा रहा है। जम्मू में आईईडी हमले के मंसूबे नाकाम होने पर ही उधमपुर को हमले के लिए चुने जाने की आशंका है। ये इसलिए भी कहा जा सकता है कि जम्मू में कई आईईडी हमले नाकाम हो चुके हैं। जम्मू संभाग में 9 माह के भीतर आईईडी से ये दूसरा बड़ा धमाका है। इससे पहले जम्मू के वायुसेना स्टेशन पर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आईईडी धमाका किया गया था। पिछले 14 महीनों में पाकिस्तान से ड्रोन और अन्य तरीकों से छोटी बड़ी 21 आईईडी जम्मू में भेजी जा चुकी हैं, जिन्हें भीड़भाड़ वाले इलाकों में धमाकों के लिए लाया गया। पिछले एक साल से आतंकी संगठन जम्मू और इसके आसपास के इलाकों को दहलाने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। उधमपुर में हुआ धमाका इसी साजिश का हिस्सा हो सकता है। जानकारी के अनुसार सबसे पहले 14 फरवरी 2021 को जम्मू के बस स्टैंड से पुलिस ने 7 किलो आईईडी के साथ एक कश्मीरी आतंकी को पकड़ा था। इसी दिन जम्मू के सांबा से पुलिस ने कम क्षमता वाली 14 आईईडी बरामद की थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कश्मीर में प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के 2 वरिष्ठ नेताओं और जम्मू कश्मीर बैंक के एक कर्मी व एक व्यवसायी समेत 8 लोगों के ठिकानों की तलाशी ली। ये कार्रवाई आतंकी गतिविधियों और टेरर फंडिंग सिलसिले में हुई है। एनआईए ने इन छापों के दौरान किसी गिरफ्तारी की आधिकारिक तौर पर पुष्टि तो नहीं की, लेकिन 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सूत्रों ने बताया कि जमाते इस्लामी के कुछ लोग वादी में एक बार फिर राष्ट्र विरोधी प्रदर्शनों की जमीन भी तैयार कर रहे हैं। जमात देश विदेश में अपने नेटवर्क के जरिए चंदा जुटाकर उसका इस्तेमाल हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और अन्य आतंकी संगठनों के कश्मीर में सक्रिय कैडर तक पहुंचा रही है। वह इन संगठनों के लिए कैडर भी तैयार कर रहा है। सभी जरूरी तथ्य जुटाने के बाद ये छापेमारी की गई है। एनआईए अधिकारियों ने कुछ डिजिटल सबूत जमा करने के अलावा आतंकी व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए हैं। अलबत्ता देर शाम गए तक एनआईए ने वादी में छापेमारी के संदर्भ में आधिकारिक तौर पर बयान जारी नहीं किया था। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजौरी और पुंछ सेक्टरों में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए एस ऑफ स्पेयर्स डिवीजन का दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजौरी, बिंबरगली और पुंछ सेक्टरों के विभिन्न अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया। नियंत्रण रेखा पर फील्ड कमांडरों द्वारा सेना कमांडर को सुरक्षा स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण इलाके और मौसम की स्थिति के बावजूद रक्षा बुनियादी ढांचे के विकास और परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी रैंकों के साथ बातचीत की और उभरते खतरे के मैट्रिक्स के प्रति व्यावसायिकता और परिचालन प्रतिक्रिया की सराहना की। आज यानी 10 मार्च को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक तोप इलाके व आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इसी तरह 12 मार्च को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक जानीपुर, सुभाष नगर, न्यू सचिवालय और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। नानक नगर, त्रिकुटा नगर के कुछ हिस्सों, गांधीनगर, संजय नगर और आसपास के क्षेत्रों में 12 मार्च को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इसी तरह गांधीनगर, पुलिस लाइन, जम्मू विश्वविद्यालय, एमएम कॉलेज, बाहू प्लाजा, डिवकॉम कार्यालय, अप्सरा रोड, शास्त्री नगर और आसपास के क्षेत्रों में 13 मार्च को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली प्रभावित रहेगी। सुंदरपुर, सतराइयां, चकरोई, आरएसपुरा कस्बे और आसपास के क्षेत्रों में 13 मार्च से सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। शहर के गंग्याल इलाके में बुधवार देर रात हुए सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 2 कांस्टेबल और एक एएसआई समेत 5 लोग घायल हो गए। इस हादसे में पुलिस की फ्लाइंग स्क्वाड समेत 4 वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। मृत व्यक्ति की पहचान बिश्नार निवासी रामपाल पुत्र दनुराम के रूप में हुई है। घायलों में गंग्याल पुलिस थाने में तैनात
सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मक्खनलाल निवासी कठुआ, कांस्टेबल नरेश कुमार निवासी बिलावर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार निवासी जम्मू के अलावा जम्मू में डिगियाना के अनिल कुमार और सुरेंद्र कुमार के नाम शामिल है। यह हादसा बुधवार रात 11:30 बजे के करीब हुआ। सतवारी से कुंजवानी की ओर जा रही एक कार जैसे ही गंग्याल चौक पर नजदीक पहुंची तो उसके चालक को सड़क के बीच रखी पानी की टंकी नहीं दिखी, जिससे गाड़ी उसे टकरा गई। हादसे के बाद कार सड़क पर पलट गई। जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी समेत अनुसूचित जनजातीय समूहों की एक बड़ी आबादी है। ये लोग सर्दियों से ही अपनी आजीविका के लिए वनों पर आश्रित रहे हैं, लेकिन देश के अन्य भागों के विपरीत इन्हें जम्मू कश्मीर में वन संपदा का कोई अधिकार नहीं था। इससे ये सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े रहे थे। फिर 5 अगस्त 2019 का दिन आया और अनुच्छेद 370 और 35A से जम्मू कश्मीर को जैसे ही आज़ादी मिली, अनुसूचित जनजातियों को भी आर्थिक सामाजिक विकास का एक नया दौर देखने को मिला। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 13 सितंबर 2021 को जम्मू कश्मीर में एक नया इतिहास लिखते हुए श्रीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में गुज्जर, बकरवाल और गद्दी सिपी समुदाय के लाभार्थियों को वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन संपदा पर निजी व सामुदायिक अधिकार का प्रमाण पत्र सौंपा। इसके बाद जम्मू में भी एक ऐसा ही समारोह आयोजित किया गया। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, तबसरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी, तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सभी विभागों के कैजुअल लेबर्स ने आज प्रेस क्लब के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जितने भी विभाग हैं उनके जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं वे बार बार मांगे करते आ रहे हैं, सड़कों पर भी उतरे हैं, उग्र प्रदर्शन भी किए, लेकिन अभी तक सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने कहा कि वो अब LG के घर का घेराव करने वाले हैं और उसके बाद अगर फिर भी उनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो वे और भी बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रशासन जिम्मेवार होगा। उसको बंद किया जाए, पिछला अनियम लागू किया जाए, हमारा अनियम बढ़ाया जाए, यही हमारी 4 डिमांड्स हैं, इनको पूरा किया जाए। LG आप खुद देखें हमारे ऑफिस में हमारी कितनी हरासमेंट होती है, पैसा आता है वो CDPO निकाल नहीं पाएगी तो वो पैसा रिवर्स हो जाता है, वो किसकी गलती है, वर्कर की या ऑफिस वालों की? ऑफिस में जो ऑफिसर बन के आ जाता है वो कहता है मैं LG से भी ऊपर हूँ, मैं किसी की सुनूंगा ही नहीं, और उनको LG साहब ही पूछ सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद अभी हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक दिन के बाद धरना प्रदर्शन होगा, उसके बाद हम देखते हैं सरकार के आगे जू रेंगती है या नहीं रेंगती है, उसके बाद हमारी क्या स्ट्रेटजी होती है। लगातार बढ़ती सीटों का जश्न मनाते हुए आज आम आदमी पार्टी ने इसको पूरी तरह से सेलिब्रेट किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, आने वाले दिनों में ये लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक पहुंचाने में पूरी तरह से सफल होगी। राजनीतिक सत्ता के ऊपर काबिज होना नहीं है, आम आदमी पार्टी का एकमात्र जो हमारा पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है वो जनता को मूलभूत सुविधाएं पहुँचाना, जो पिछले 70 साल से वंचित थी, वो चाहे बिजली हो, पानी हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज हो, जो लोगों तक पहुंचाना और वो कंसेप्ट है वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको प्रोवाइड किया है, तो वो 70 सालों से वो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट जो हिंदुस्तान में लागू नहीं हुआ था, दिल्ली के अंदर वो हमने लागू करके दिखाया, अब पंजाब में करेंगे और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये बारी आएगी, हरियाणा और हिमाचल के अंदर। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन UT ऑफ जम्मू कश्मीर ने आज प्रेस क्लब के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जैसे नियर बाय स्टेट को ऑनरेरियम दिया जाता है, उसी की तर्ज पर जम्मू कश्मीर UT के आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी ऑनरेरियम दिया जाए। उन्होंने कहा कि बार बार सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जाता है, लेकिन ये जो आश्वासन है वो धरे के धरे रह जाते हैं, असल जमीनी सतह पर कुछ नहीं होता। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। हम अपना वो ऑनरेरियम मांग रहे हैं, हमारा ऑनरेरियम दिया जाए, हमारी जो बहनें BA और मैट्रिक जिनकी सैलरी बनती है
उन्हें सुपरवाइजर जल्द से जल्द बनाया जाए और उनके जो हमारे हरासमेंट है उसको बंद किया जाए, पिछला ऑनरेरियम लागू किया जाए, हमारा ऑनरेरियम बढ़ाया जाए। यही हमारी चार डिमांड्स हैं, इनको पूरा किया जाए। एलजी आप खुद देखें हमारे ऑफिस में हमारी कितनी हरासमेंट होती है। पैसा आता है वो सीडीपीओ निकाल नहीं पाएगी तो वो पैसा रिवर्स हो जाता है। वो किसकी गलती है, वर्कर की या ऑफिस वालों की? ऑफिस में जो ऑफिसर बन के आ जाता है वो कहता है मैं एलजी से भी ऊपर हूँ, मैं किसी की सुनूंगा ही नहीं। और उनको एलजी साहब ही पूछ सकते हैं वो क्या करेंगे। उसके बाद अभी हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक दिन के बाद धरना प्रदर्शन होगा, उसके बाद हम देखते हैं सरकार के आगे हुजूम रेंगती है या नहीं रेंगती है। उसके बाद हमारी पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस त्रिकुटा नगर।